हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 25 मार्च को शीतलाष्टमी की पूजा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको शीतलाष्टमी की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी और साथ में जानेंगे शीतलाष्टमी की पूजा विधि के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शीतलाष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में मैंने ये भी बताया था कि शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन का महत्व। आज की वीडियो में हम शीतलाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी ये अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार शुक्रवार 25 मार्च को शीतलाष्टमी की पूजा की जाएगी, शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। शीतलाष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या लोकाचार अपने अपने क्षेत्र के आधार पर होली के बाद पड़ने वाले सोमवार गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इस पूजा का विधान है, लेकिन रविवार, शनिवार और मंगलवार को शीतला का पूजन नहीं करना चाहिए। हालांकि इन दिनों में भी यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस वर्ष के अनुसार शुक्रवार को 25 मार्च के दिन शीतलाष्टमी पड़ रही है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंधयुक्त फोड़े फुंसियाँ, बुखार, नेत्रों से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, नेत्रों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं और फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों और दोषों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव तथा शहर में शीतला माता का मठ होता है। मठ में शीतला माता का स्वरूप ही भी अलग अलग तरह से अलग अलग देखा जाता है, यानी कि जो शीतला माता का मंदिर है उसमें शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को रासभ यानी कि गृधव के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात या फीका भात, मौठ, बाजरा, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ और खीर, ये जितने भी रेसिपीज हैं, जितने भी व्यंजन हैं, एक दिन पहले ही शाम को बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते हैं, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। इस व्रत में पांचों उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्प आदि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतलाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी व्रत कथा जरूर सुने। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए और जागरण करना चाहिए। बसोड़ा के दिन यानी कि शीतलाष्टमी के दिन प्रातःकाल एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूपबत्ती, जल का पात्र यानी कि कलश,
दही, चीनी, गुड़, ये सभी पूजन आदि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगाकर शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी को ढोक भी लगानी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलरी, बड़कुल्ला जिसे कहते हैं, गुलरी की माला भी शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। इस दिन चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की भी परंपरा है। शीतला माँ की पूजा के बाद गर्दभ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गर्दभ शीतला माता का वाहन है। मंदिर के बाहर काले श्वान यानी कि कुत्ते के पूजन और गर्दभ यानी कि गधे को भी चने की दाल खिलाने की परंपरा है, क्योंकि जो गर्दभ है वो शीतला माता का वाहन है। तो माता की पूजा करने के बाद गर्दभ की भी सेवा करें और उसे चने की दाल खिलाएं। घर आकर सभी को प्रसाद और मीठा मोठ बाजरा का वायना निकाल कर उस पर रुपया रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करने की भी प्रथा का अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्ध माँ को भोजन कराकर और वस्त्र दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा और 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रखें और बड़े कुंडारे में रखकर जलती हुई होली को दिखाएं और कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे और हल्दी से पूजन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य ढोक यानी कि नमस्कार दें और फिर सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर जाकर चढ़ा दें। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आएं और पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर माँ शीतला को चढ़ाने का विधान है। ये विधान जिसके भी यहाँ है तो वो इस तरह से पूजन अवश्य करें। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की परंपरा है, तो माता के मंदिर जाते समय नंगे पैर जाने की कोशिश करें, नंगे पैर जाकर पूजन करें। अब मैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसोड़ा आता तो यानी कि जब शीतला अष्टमी आती तो वो ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोंपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोंपड़ियाँ जल गई, जिससे सभी को बड़ा दुख हुआ और इसके साथ ही बुढ़िया की झोंपड़ी को सही सलामत देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सब लोगों ने उस बुढ़िया से पूछा, उस बुढ़िया के पास आए और पूछा कि बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग ये काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोंपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई और तुम सब की झोंपड़ियाँ जल गई। तभी से शीतला अष्टमी के दिन यानी कि बसोड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ, बासी व्यंजन ही खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही हम सब की रक्षा करना, हमें अच्छा स्वास्थ्य देना और हमारे घर परिवार की रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता की पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की किसी भी सोमवार या किसी दूसरे शुभवार को भी करने का विधान है। वैशाख मास में इसे बूढ़ा बसोड़ा के नाम से या फिर चैत्र कृष्ण पक्ष की बसोड़ा नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दो सोमवारों और सर्दियों के किसी भी महीने के दो सोमवारों को शीतला माता का पूजन स्त्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु
चैत्र कृष्ण पक्ष का बसोड़ा सर्वत्र मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी शीतला माता की पूजा विधि और व्रत कथा, यानी कि बसोड़े की व्रत कथा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।